अब एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन देखें बेटा, नोट डाल के लिखें इसको। जैसे एक ट्राइंगल है, इस नोट को मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना जबरदस्त आर्टिकल है। मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और आपके पास तीन लाइन है एल वन एल टू एल थ्री। तीन लाइन गिवन है बेटा एल वन एल टू एल थ्री, ये क्या है इस ट्राइंगल की साइड से। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालिए, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना है विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, मतलब बिना वर्टेक्स के मुझे ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड, कोई भी दो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक काम करते हैं, इसको हम बकायदा ये एल वन एल टू एल थ्री तीन लाइन ले लेते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। इसके कुछ मतलब ये उसकी एप्लीकेशन है बेटा, बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल बताने जा रहा हूं। मतलब ऑर्थो सेंटर में निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो वर्टाइसेस से ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं और विदाउट विदाउट वर्टाइसेस। मान लो आपके पास सिर्फ लाइन है और आपको बिना सॉल्व किए बिना एबीसी के ऑर्थो सेंटर निकालना है तो वो भी है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, बस आप ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपके पैकेज का, देखिए आपके पैकेज में है पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको तीन लाइन दे देता हूं, लाइन में लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, 4x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। बेटा ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है और पूछे जा रहा है कि विदाउट फाइंडिंग आप ऑर्थो सेंटर निकालें, विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस आपको ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना है। तो चलो एक काम करते हैं, L1 ले लेते हैं x प्लस y बराबर 1, L2 ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 6 और L3 ले लेते हैं 4x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है बेटा, ध्यान से देखना आप सभी। तीनों लाइन मैंने यहां पर लिख दी, अब मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर। अच्छा ऑर्थो सेंटर एक काम करते हैं, पहले तो ये A से मैं गिराता हूं BC पर एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया BC का, परपेंडिकुलर आया मैंने ये A से मैंने BC पर परपेंडिकुलर आया लाइक ए डी और B से AC पर गिरा दिया, मान लो ये E। तो बेटा AD, AD एंड BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा।
ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन एल्टीट्यूड, ये दो एल्टीट्यूड ले ली मैंने, अब टारगेट क्या है, इन एल्टीट्यूड को निकालना। तो एक तरीका तो ये है बेटा सुनना कि मैं अभी सिखा रहा हूं इन तीनों लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो ये एबीसी जाएंगे। अभी मैं विदाउट फाइंडिंग बताता हूं, चलो ये विदाउट ए विदाउट बी विदाउट सी एडी निकालने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, एडी लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है। तो एडी जो लाइन है, ध्यान से देखना आप सभी, ऐसा नहीं लग रहा कि एडी लाइन एबी और एसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रही है। देखो एडी लाइन एबी के और एसी के पॉइंट्स जा रही है। तो बेटा एडी जो लाइन होगी, एडी सच दैट, वो किस फॉर्म की होगी, एडी जो होगी वो एबी प्लस लैम्डा एसी होगी। और बेटा एबी आपके पास है एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस लैम्डा, एसी आपके पास है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो। ये आगे बेटा एडी लाइन। अब अननोन क्या है, लैम्डा। अब आप मुझे बताओ एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, तो बीसी की स्लोप क्या है, फोर। स्लोप ऑफ बीसी बीसी की स्लोप क्या है, फोर। तो बेटा एडी की स्लोप क्या होगी, माइनस वन बाय फोर। जरा सोचो ये है एडी की स्लोप, क्योंकि एडी बीसी के परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम स्लोप निकालेंगे एडी की, कॉफिशियंट ऑफ एक्स वन प्लस टू लैम्डा, कॉफिशियंट ऑफ वाई वन प्लस थ्री लैम्डा, और आगे माइनस साइन। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू और जो भी लैम्डा की वैल्यू होगी वो यहां रख देना। तो बेटा मैंने आपको एडी दे दिया, एडी आपके पास आ गया। चलो कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, एडी बताए फाइनली, लैम्डा निकाले यहां से और लैम्डा उठा के यहां रखें, एडी आएगा। और सेम अप्रोच बीई के लिए, सेम अप्रोच बीई के लिए। अभी मैंने निकालना सिखाया बेटा, ये जो अप्रोच है वो विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, और ये तीन लाइन है। फटाफट एडी कैलकुलेट करो, तीन लाइन दी गई थी ट्राइंगल की तीनों साइड्स। बताए एडी एक्स थर्टीन। चलो आप इसी तरीके से बी कैलकुलेट करो, सेम अप्रोच बी के लिए, बी ई के लिए कैलकुलेट करो। अब बी किसके परपेंडिकुलर है, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। तो स्लोप ऑफ बी ई, स्लोप ऑफ बी ई, एसी की स्लोप क्या है, उसको पलट के माइनस साइन लगाओ, एसी की स्लोप है माइनस टू बाई थ्री, तो बी की स्लोप हो जाएगी थ्री बाय टू। अच्छा बीई जो लाइन होगी, बी जो एल्टीट्यूड होगा, सच दैट किस फॉर्म का होगा वो, बी बी ए प्लस म्यू बी सी। बेटा मैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं, यहां से देखो बीई इस पॉइंट से पास हो रही है और ये पॉइंट से ये लाइन भी जा रही है और ये लाइन भी, तो बीई जो होगी वो बी ए प्लस म्यू बी सी होगी। ये लो, अब बी ए मतलब एल वन एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस म्यू बी सी, एल थ्री फोर एक्स माइनस वाई प्लस फोर बराबर जीरो। अब यहां से स्लोप निकाल लो बेटा, वन प्लस फोर म्यू वन माइनस म्यू और आगे माइनस बराबर, ये आगे बेटा स्लोप ऑफ अननोन लाइन, और जबकि हमारे पास थ्री बाई टू, तो यहां से म्यू की वैल्यू और जो भी म्यू आएगा उठा के यहां रख देना। तो बेटा बी लाइन आ जाएगा, जल्दी बताओ बीई, बीई कैलकुलेट करो फटाफट,
3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। चेक कर लेना बेटा। अब चलो BE और AD को आपस में सॉल्व करो। बेटा हमें निकालना है ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? AD और BE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। जल्दी बताओ कोऑर्डिनेट्स। बोले 3/7। ये फाइनल आंसर बेटा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट है, और इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो बेटा बहुत ही सुंदर तरीका था ये। आपने क्या किया, बिना वर्टेक्स के निकाले, मतलब वर्टेक्स निकाले ही नहीं हमने, विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसिस। हमारे पास तीन लाइन थी, हमने बिना इनके और सेंटर दे दिया। अच्छा वो तरीका भी देख लो, यदि वर्टेक्स से निकालना है तो क्या करना है, वो तो बहुत सिंपल है, सुनिए। इन दोनों लाइन को आपस सॉल्व करना, ये पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट आ गया, ये लाइन निकालनी है, इसकी स्लोप क्या है, बीसी की स्लोप क्या थी, बीसी की स्लोप 4 थी, तो बी की स्लोप क्या, एडी की स्लोप क्या होगी, -1/4। तो स्लोप यहां स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये ज्यादा इजी पड़ता है बजाय इसके, बट दिक्कत है आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो बेटा दोनों अप्रोच आना चाहिए आपको। ये क्या है, मेरे पास यदि पॉइंट है तो मैं एडी किस तरीके से निकालूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और यदि आपके पास पॉइंट नहीं है तो फिर ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। भाई ये पॉइंट आ जाएगा, बीसी की स्लोप 4 है, इसकी स्लोप हो जाएगी -1/4। स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेम अप्रोच बी के लिए। तो इस तरीके से हम ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बेटा, इसका एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, नोट डाल के लिखना है। जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, और मान लीजिए इनकी साइड से U1, U2, U3, U4। मान लो ये साइड से A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। U3 क्या होगी, A1x B1y प्लस C2 बराबर 0। U2 लाइन मान लीजिए A2x B2y C1 बराबर 0। U3 मान लीजिए U4 A2x B2y C2 बराबर 0। बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उनकी चारों साइड्स गिवन है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। मान लो आपको ये BD डायगोनल निकालना है, मैं आपसे पूछूं कि डायगोनल BD डायगोनल की क्वेश्चन निकालो, BD कैलकुलेट करो। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इन चारों लाइन को सॉल्व कर लो, ये पॉइंट जाएंगे। बट मैं बोलूं कि विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस और फिर BD कैलकुलेट करो। तो बेटा सुनो, बहुत ही जबरदस्त तरीका, फैमिली ऑफ लाइन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप क्या करना, फॉर्मूला लगा देना ये वाला, U1 BD की क्वेश्चन के लिए क्या करना, BD के लिए इस लाइन के लिए आपको U2.U3 बराबर U1.U4 U2.U3 U1.U4 ये है BD आंसर। मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो जैसे BD निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट। और मान लो AC निकालना है, AC के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे AC के लिए मैं यहां लिख देता हूं, AC के लिए क्या होगा, AC के लिए U1 U2 U3 U4 लो भाई, नोट कर लें इसको। ये बिना वर्टाइसेस के हमने आपको डायगोनल दे दिए। तो बेटा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट है। इसमें मैंने सारे आर्टिकल बता दिए आपको, इसकी एप्लीकेशन में मैंने ऑर्थो सेंटर निकालना सिखाया विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, और डायगोनल कैसे निकालते हैं वो भी बताया।
अब हम कुछ पैकेज के क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 22। द सेट ऑफ लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0 इज कॉन्करेंट एट द पॉइंट। बेटा कई सारी लाइन है जो कॉन्करेंट है, इसका मतलब है कि वो एक ही पॉइंट पर मिल रही है, तो वो पॉइंट बताना है हमें। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ लाइन का कन्वर्स। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको 4 से डिवाइड करो और इससे कंपेयर कर दो। 4 से डिवाइड करो तो 3/4 ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी बराबर 0। ए एक्स बी वाई प्लस सी, तो x बराबर आ गया बेटा 3/4 और y बराबर आ गया 1/2। ये है फाइनल आंसर। तो वो फिक्स पॉइंट क्या है बेटा, 3/4 कॉमा 1/2, मतलब वो सारी लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है। द सेट ऑफ लाइंस मतलब कई सारी लाइन इस पॉइंट पर कॉन्करेंट है। तो मैंने क्या किया, गिवन कंडीशन को वेरिएबल लाइन से कंपेयर। अब आपके पैकेज का क्वेश्चन है पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15। बेटा एक ओरिजिन दिया गया है, ओ यहां पर ओरिजिन है, ठीक है, और इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स P1 एंड P2, दो पॉइंट एनी टू पॉइंट्स हमको लेने, तो मैंने ले लिया एक P1 और एक P2। P1 है बेटा x1y1 और P2 है x2y2। ठीक है, और ये ओरिजिन, तो प्रूफ करना है OP1 डॉट OP2 cos P1 OP2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। ये प्रूफ करना है बेटा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ध्यान देना है बेटा। कॉस के अंदर कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस के अंदर ये एंगल है P1 OP2, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं P1 OP2। इसका मुझे कॉसाइन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, P1 को P2 से मिला देता हूं। P1 का एक ट्राइंगल, ये P1, ये P2 और ये एंगल हो गया थीटा मान लीजिए, और ये O। तो कॉस थीटा, बेटा कॉसाइन रूल क्या होता है, हमने पढ़ा है SOT में कॉसाइन रूल, P1 OP1 स्क्वायर प्लस OP2 स्क्वायर माइनस P1 P2 स्क्वायर अपॉन 2 OP1 OP2। बस बेटा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, OP1 स्क्वायर प्लस OP2 स्क्वायर माइनस P1 P2 स्क्वायर, वेयर OP1 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो चलो OP1 कैलकुलेट करते हैं। OP1 क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस 0 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसी तरीके से OP2 कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।
चलो P1 P2 कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बस बेटा ये सारी डिस्टेंसेस इसमें रख देना तो ये आंसर आएगा cos थीटा के प्लेस पर एंगल P1 OP2 बराबर OP1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर OP2 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस P1 P2 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 अपॉन 2 OP1 OP2 एज इट इज। अब x1 स्क्वायर कैंसिल, y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 x2 प्लस y1 y2 ये आ गया। देखो ये हमें प्रूफ करना था, ये जाएगा OP1 डॉट OP2 cos एंगल P1 OP2, ये है फाइनल। तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना था, बस सिंपल क्वेश्चन था, कोसाइन रूल।